नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बेनिफिशियरी पोर्टल से। आप एक नया आयुष्मान कार्ड राशन कार्ड से किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहे। वीडियो में हम आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाले कि किस प्रकार से आप यहाँ पर राशन कार्ड से यहाँ पर नया आयुष्मान कार्ड आपको किस प्रकार से बनाना है, तो आप वीडियो में बने रहे। वीडियो को आप बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी यहाँ पर ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से आप बेनिफिशियरी पोर्टल से राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राशन कार्ड से एक नया आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इस पोर्टल पे आ जाना। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट यहां पर इस पोर्टल पे आ जाएगा, जो यहां पर आयुष्मान कार्ड का जो न्यू पोर्टल है बेनिफिशियरी पोर्टल, इस पे आ जाइएगा। आने के बाद आपको यहाँ पर लॉग इन पर दो ऑप्शन शो करता है, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। अगर आप यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर बेनिफिशियरी ऑपरेटर आईडी नहीं, तो आप बेनिफिशियरी पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑपरेटर पे क्लिक करके यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर जो डाल देते हैं, जो भी मेरा मोबाइल नंबर ऑपरेटर बना है वो नंबर डाल के हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने वाले यहाँ पर देखते हैं, मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो भी ओटीपी आया है क्या करना है, आपको ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे ये कैप्चा शो करते हैं, आपको क्या करना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो कैप्चा फिल करने के बाद नीचे लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा। जिस तरह से आप लॉगिन पे क्लिक करते थे, इस तरह से आपके सामने आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपका ऑपरेटर आईडी लॉगिन हो गया। आप बेनिफिशियरी से भी बना सकते थे, यहाँ पर हम ऑपरेटर पे क्लिक करके हम ऑपरेटर लॉगिन किए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टेट पे क्लिक करके आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आ जाता है स्कीम का ऑप्शन, आपको क्या करना है, इस स्कीम वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पीएम जो है सेलेक्ट ऑटोमेटिक रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीएम जो है ही सेलेक्ट रहने देना है। फिर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट का, आपको क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप क्या करना है सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। फिर आ जाता है सर्च बार का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके अब आपको क्या करना है, राशन कार्ड से बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फैमिली आईडी सेलेक्ट कर लेना है और अपना यहाँ पर राशन नंबर डालकर आपको सर्च वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम राशन नंबर डाल देते हैं, तो आपको पूरा नंबर राशन नंबर डाल के यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम राशन यहाँ पर फैमिली आईडी को यहाँ पर राशन कार्ड भी कहा जाता है, तो हम यहाँ पर राशन कार्ड डाल दिए नंबर और यहाँ पर हम सर्च पे क्लिक करते हैं। तो सर्च पे क्लिक करना, अगर नो बेनिफिशियरी फाउंड इन गिवेन सर्च क्राइटेरिया आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 4-0 लगा देना है। चलिए यहाँ पर हम 4-0 यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम 4-0 लगाकर सर्च किए थे, यहाँ पर उसका नाम पूरा फैमिली का नाम आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर देख आप फैमिली में जितना भी नाम होगा यहाँ पर सारा शो करेगा, आप देख सकते हैं उसका यहाँ पर फादर नाम शो हो जाएगा, उसका यहाँ पर देख सकते हैं आप उसका कार्ड भी देख सकते हैं, पर उसका यहाँ पर जिसका आप बनाएगा उसका यहाँ पर अप्रूव शो करेगा। यहाँ पर देखते हैं इस तरह से, जिसका नहीं बना होगा उसका पर ई केवाईसी का ऑप्शन शो करेगा। अब आपको क्या करना है, आपको जिसका भी बनाना है आपको क्या करना है, ई केवाईसी वाले पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ई केवाईसी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पर ई केवाईसी पे क्लिक किया जाए तो उसके यहाँ पर फोटो और पूरा डिटेल्स जो है। अब आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको यहाँ पर देखते हैं आधार, ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आईरिज, आपको तीन ऑप्शन दिया जाता है, आपको जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आधार ओटीपी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह सा कुछ कंसेंट आ जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट करके अलाउ वाले पे क्लिक किया जाए तो आपके सामने आपके जो मोबाइल पर आधार मोबाइल में रजिस्टर है आधार कार्ड में उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब आपको क्या करना है, ओ टी पी यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल पर ओ टी पी आया होगा ओ टी पी यहाँ पर फिल की जाए तो कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद अब आप यहाँ पर सामने यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो यहाँ पर आयुष्मान में डिटेल है वो शो होगा, यहाँ पर जो ई के वाई सी डिटेल है पर जो आधार में डिटेल है वो शो करेगा। तो आपको यहाँ पर दोनों डिटेल मैच कर लेना है, अगर आपका कुछ भी डिफरेंट रहता है तो आपका पेंडिंग आयुष्मान कार्ड चला जाता है तो आपको मैच कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर देखते हैं ई के वाई सी में आप फोटो शो करें, अब आपका आता है कैप्चर फोटो, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको क्या करना है, फोटो पे यहाँ पर कैप्चर करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा और इस तरह से आपका जो कैमरा है इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर फोटो लाना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको मोबाइल में क्लिक कर लेना और इस तरह से लाना है, यहाँ पर कैप्चर पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, फोटो आपका यहाँ पर देखते हैं अपलोड ले चुका है। अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, नीचे में आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो करेगा। अगर यहाँ पर देखते हैं डू यू हैव मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो यस कीजिए और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कीजिएगा तो आपका क्या होगा, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, आपको मोबाइल ओटीपी फिल कीजिएगा तो आपका मोबाइल वेरीफाई लेगा। फिर यहाँ पर ईयर्स ऑफ बर्थ अपना बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर उसका जन्म जो यहाँ पर जन्म हुआ था वहाँ पर कौन सा ईयर हुआ था वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आ जाता है रिलेशन टाइप, अब जो भी रिलेशन टाइप है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, फिर उसका स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा।
उसका आपको डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर अपना उसका एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप एरिया सेलेक्ट करते हैं तो उसका यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करना पड़ता है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने बाद उसका यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप जब यहाँ पर मोबाइल में वेरीफाई कीजिएगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर आयुष्मान कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। जैसे ही अप्लाई होता है उसे आप डाउनलोड भी तुरंत कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करने के लिए आप फिर से होम पेज पे आइए। तो होम पेज पे आने बाद जैसे ही आप देख सकते अप्रूव हुआ तो आपको क्या करना है, जितना भी अप्रूव है आप जिसका भी डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक किया जाए इस तरह से। डाउनलोड कार्ड पे, डाउनलोड कार्ड पे क्लिक करने बाद जितना भी उस फैमिली में आयुष्मान कार्ड बना होगा यहाँ पर जब आप अभी बनाए उसका भी आप शो करेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। आप जिसका भी डाउनलोड करना है उस पर टिक करके, आप जैसे टिक करते हैं उसका यहाँ पर ऑथिकेट का ऑप्शन आता है, उसका आपको यहाँ से नाम सेलेक्ट करके उसका ऑथिकेट करके अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से एक नया यहाँ पर नया राशन कार्ड से एक नया आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।